ओम शांति। अभी आपके समक्ष मुंबई विलेपार्ला वेस्ट के जो हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है सुषमा बहन एंड ग्रुप प्रस्तुत करने जा रही है इस संस्था के संस्थापक की जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत दिव्य कहानी। सुषमा बहन ओम शांति नृत्यालय की है डायरेक्टर, तो आइए देखते हैं ये सुंदर प्रस्तुति ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली एक दिव्य अद्भुत कहानी। ओम शांति। हैदराबाद सिंध के दादा लेखराज थे एक व्यापारी जो गए थे भगवान पर पूरी तरह से वारी। बचपन से ही नेकी और आध्यात्म था रगों में, उनकी विष्णु भक्ति थी जग से न्यारी। दादा हीरों का करते थे बड़ी ईमानदारी से व्यापार, उनकी प्रशंसा करते थे राजा महाराजा भी अपार। परम पवित्र भक्ति थी उनमें बेशुमार, जिससे विष्णु जी का हुआ उन्हें साक्षात्कार। एक अनोखा दिन था वह जब गजब का उन्हें दिव्य अनुभव हुआ, निराकार शिव परमात्मा का जब दादा के तन में अवतरण हुआ। दादा से निकला सुनहरा लाल प्रकाश, पवित्र तेजस्वी दिव्य पार, शिवो अहम की गूंज सुनी जब परमात्मा ने भी बरसाया प्यार। तत्पश्चात हुआ दादा को साक्षात्कार, आने वाले घोर कलयुग का जब होना है चारों ओर हाहाकार। संग संग देखे दृश्य सतयुग के होते साकार, जहां भारत भूमि पर देवी देवताओं से होगा सुख शांति का भंडार।
दादा के पुत्र बधू ने उनमें कृष्ण जी की छवि देखी, पहचाना कि यही है श्री कृष्ण की आत्मा अनोखी, जो मानवता सीढ़ी उतरकर आ पहुंची है कलयुग के द्वार, जिन पर है पुनः नवयुग की स्थापना का भार। दादा लेखराज को शिव परमात्मा ने दिया नया नाम, प्रजा पिता ब्रह्मा कहलाए वे, जिनका सत्युग स्थापना का है काम। परमात्मा ने प्रजा पिता द्वारा दिया दिव्य ज्ञान, आत्मा को परमात्मा से मिला जीवन दान। कल्प वृक्ष सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर हमें आत्मा का बताया इतिहास, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाकर हमें राजस्व प्राप्ति का दिया उमंग उल्लास, प्रजापिता द्वारा परमात्मा का संदेश पाकर जीने का मिला नया उपहार, उनकी वाणी ज्ञान मुरली कहलाई, उसे सुन धन्य हुआ सारा संसार। पुराणों में ब्रह्मा जी के हाथों में अलंकार है न्यारे, वही धारण किए ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सारे, दोनों का ही वृद्ध तपस्वी रूप जो है माला की निशानी, चार वेद दर्शाते हैं उत्तम पुरुष अनुभवी महाज्ञानी। कमंडल से दिव्य ज्ञान की बौछार करे हमारी जीवन नैया पार, जनोई के तीन धागे कहते काम क्रोध लोभ है महाविकार, तो आओ भगवान के मीठे बच्चे हम भी करें उस परमात्मा से सौदे सच्चे, अपनी खामियां उन्हें देकर करे सच्चा व्यापार, और दुख अशांति के बदले में पाए सत्युगी संपत्ति का वर्षा अपार। ये ऐसा अविनाशी जमा खाता है जहां 2400 घंटे है खुले द्वार, और 500 वाले अवगुण हो या 1000 वाली खामियां, इस अविनाशी बैंक में होता सब स्वीकार। ओ ब्रह्मा बाबा, परमात्मा के दिव्य रथ, आपसे अनमोल ज्ञान रत्न है हमने पाए, हम गगन को कागज और जंगल को कलम बनाए अगर, फिर भी आपकी गाथा कभी न लिखी जाए, आपकी गाथा कभी न लिखी जाए, आपकी गाथा कभी न लिखी जाए। स्याही बने समंदर
चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, जीनो जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। तो आपने देखा कितना सुंदर बच्चों ने ये प्रस्तुति की।